एक केस स्टडी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन की तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया है, 40 साल की उम्र, और बताने लगा कि उसे बहुत डिप्रेशन है और डिप्रेशन के लिए उसने काफ़ी सारे डॉक्टरों को बताया हुआ है, गोलियाँ खा रहा और बीच बीच में अच्छा हो जाता है, बीच में 1-2 महीने 3 महीने अच्छा रहेगा, फिर कुछ तो भी हो जाएगा, फिर उसको डिप्रेशन आएगा, फिर गोलियाँ खाएंगा। ऐसा 10 साल से चालू है। मतलब क्या प्रॉब्लम है? मेरे गोलियाँ खा रहा हूँ, अभी गोली खाना, कितने दिन खाना, तंग आ गया। बोले अभी मैं बोले ठीक है, फिर अभी क्या करते? तो मुझे लगा जब गोलियों से अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा, गोली खा लो, अच्छा कर लो, मजे से जियो। पर बोले मेरे को गोली बंद करना है। बोले ठीक है, फिर अपन बैठते हैं, देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट के साथ में मैंने उसको स्पेशल अपॉइंटमेंट देके उसके साथ में बैठा। मैं उसको पूछा मैंने कि ऐसी कौन सी बात है कि जो आपने अभी तक किसको पता ही नहीं है, कौन सी बात आपने छुपा के रखी हुई? अब वो आया था उसके वाइफ के साथ में, उसने उसको इशारा किया कि बाहर बैठो। फिर उसने मेरे से बात करना चालू किया कि पिछले 10 साल से, मतलब इसके वाइफ का और इसकी शादी हो के अभी करीब करीब 12 साल हो गए, और 10 साल से उसके रिलेशन, वो और एक कोई रिलेशनशिप में है। ये लेडी जो है, जो अभी उसकी पत्नी, उसके साथ में उसकी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मगर जिससे मतलब जिसे शादी करना चाहता था, शादी के पहले उसे शादी हुई नहीं, फिर इसे शादी कर ली। पत्नी की और उसकी उम्र में कम से कम 12 साल का अंतर है, और बोले हम मैच होती नहीं इमोशनली, वी आर नॉट मैचिंग ईच अदर। फिर उसके रिलेशनशिप में एक लेडी थी जिसके साथ में शादी करना चाहता था, मगर शादी हुई नहीं कोई कारण से, उसने शादी कर लिया, मगर इनके संबंध काफ़ी चालू। अच्छा, रिलेशनशिप में है करके आना जाना चालू, और जब जब मौका मिले तो उनके फिजिकल रिलेशनशिप भी आते गए। ये तो चालू था, और दोनों को ऐसा था कि दोनों को बात नहीं करते एक दूसरे से तो चलता नहीं था। मतलब इतना सीवियर विड्रॉल जैसा, जैसा शराबी आदमी जो शराब लेता नहीं तो उसको जैसा तक तक हो जाता, रेसलेस हो जाता, वैसा उनका था कि भाई कितना भी कितनी भी कोशिश किया तो 2-4 दिन बात नहीं करेंगे कि नहीं अभी अपने को ये बंद करने का है। और फिर 2-4 दिन 5 दिन के बाद में एक तो वो लेडी उसको फ़ोन करेंगी या ये आदमी उसको फ़ोन करेगा और बातचीत करेंगे। एक बार बातचीत किए फिर अच्छा लगता है, भले वो व्हाट्सएप में चैटिंग करेंगे या फ़ोन पर बातचीत करेंगे। अभी रिलेशनशिप में तो किसको ज़्यादा बहुत शक भी आता नहीं है कि ठीक है भाई, कुछ तो भी मौका आया होगा या कुछ बातचीत करते होंगे, कहाँ जाना, इधर गए थे, उधर गए थे, ऐसी कुछ तो भी बात करके। और फिर घर में कोई नहीं है तो फिर बाकी बातें होंगी इश्क की। तो उसको ये नहीं चाहिए, मतलब और बताइए और क्या है। तो बोले अभी मैं कैसा बताऊँ, मुझे ही शर्म आ रही है। मतलब भाई हुआ क्या, बोलो सही। बोले और एक लेडी है उनके रिलेशनशिप में जिसके साथ में इसके और रिलेशनशिप है, और वो बहुत दूर रहती है, 400 किलोमीटर दूर है, मगर जब वो मायके आती है इधर इसके घर के, मतलब इसके सिटी में, तब उनके रिलेशनशिप आते रहते और बाकी हम चैटिंग करते, फ़ोन कॉल करते। मतलब ऐसा हो गया, पत्नी है और दो लेडीज़ है जिनके साथ में वो रिलेशनशिप में है, और दोनों भी लेडीज़ उसको छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो बोलती है कि नहीं हमको नहीं जमता है तुम्हारे से बात नहीं किया। तो ये भी उनको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको भी लगता है कि उनसे बात नहीं किया तो देखो भी कैसा फंस गए, और ऐसे इसमें जी रहे। मन में गिल्ट है, एक अपराधीपन की भावना है, डर है कि कहीं ये निकल गया, कहीं खुल गया तो कैसा होगा, लोगों में क्या मैसेज जाएगा, बच्चे बड़े बड़े हो गए उनको क्या लगेगा। अच्छा, उसके हस्बैंड को पता लग गया, मतलब ये दोनों लेडीज जो उसकी प्रेमिका है सो कॉल्ड, उनके हस्बैंड को पता लग गया तो उनको क्या लगेगा। मतलब ऐसा पूरा डर में जी रहा है, और फिर उसमें उसको गोलियां खानी पड़ रही है, डिप्रेशन फिर आता है और उसमें फिर गोलियां खाते रहता है। फिर उनसे बातचीत हो जाती है, फिर थोड़ा अच्छा लगता है, फिर गोली बंद कर देता, फिर ठहराते हैं दोनों भी कि अभी बात नहीं करना है। फिर एक एक महीना दूर रहते हैं, बात नहीं करते, फिर वो गोली खानी पड़ती है। मतलब ऐसा वो चक्रव्यूह में फंस गया, ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। और बोले अभी क्या करना, मतलब भाई चॉइस इज़ योर्स, चॉइस आपका है, आपके पास में 3-4 चॉइस है कि जो आप कर सकते हैं। एक तो आप ये पूरा तोड़ दो। बोले असंभव है, मैं तो तोड़ ही सकता, उसके लिए मैं आया नहीं आपके पास में, मुझे ये चालू रखना है और मन को शांति भी चाहिए, मैं ये जमता नहीं। फिर आपको गोली खानी पड़ेगी जो आप खा रहे 10 साल से। तो एक तो ये तोड़ दो उनसे बात करके,
बोले उनसे बात किया तो वो एकदम मामला बिगड़ जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकता हूँ। वाइफ को बोल, तो बोले भाई वो भी नहीं बोल सकता हूँ। बोले आप सब तरह से आप नहीं बोल रहे तो मेरे पास में आए क्यों, जब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि भाई आपने ये पूरा बंद करना चाहिए, कम्प्लीटली स्टॉप करना चाहिए, ऐसे मेरी सलाह रहेगी। एंड देन यू आर ऑथेंटिक अबाउट एवरीथिंग, कि भाई आप ऑथेंटिक है, प्रामाणिकता से सब कर रहे तो आपका डिप्रेशन निकल जाएगा, और नहीं तो फिर अभी आज गोली खा रहे कल आपको और कुछ कुछ बीमारी हो जाएंगी और फिर उसमें और फंस जाएंगे, ये कभी बाहर खुल गया तो और कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसने बोले ठीक है मैं सोचता हूँ अभी। बोले देखो चॉइस आपका है, निर्णय आपको लेने का है, तोड़ना है कंटिन्यू करना है, सबको बता के तोड़ना है बिना बता के तोड़ने का है, या जैसे चल रहा है वैसे जल्दी देने का है और गोलियाँ खाते रहने का है, और फिर आगे चल के डायबिटीज़ है, फिर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और बीमारियाँ लग रही है, वो भी चॉइस आपका है। तो फिर उसने और मुझे टाइम मांग लिया, नहीं भाई और मैं काउंसिलिंग को आता, बोले आपसे बात किया बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारा बोझ उधर का ऐसा मुझे लगता है, बोले ठीक है आ जाओ कभी बात कर लेते हैं। फिर और वो मेरे पास में सेकंड थर्ड सिटिंग पे आ गया, फिर उसने निर्णय ले लिया कि नहीं अभी मुझे उससे छुटकारा पाना पड़ेगा, और छुटकारा पाना है तो मैंने बोला ये आसान नहीं है, दिस नॉट एन ईजी जॉब, कोई आसान तरीका थोड़ी है ये कि भाई ठीक है तोड़ देंगे, आसान तरीका नहीं है मगर करना पड़ेगा। क्या है कि कभी पेट में दर्द है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कड़वी गोली खानी पड़ती है तो ये तो करना ही पड़ेगा आप। बोले ठीक है मैं ज़रूर करता हूँ। उसने वो पूरे संबंध दोनों जगह बात करके तोड़ दिया। मुझे कुछ दिन के बाद में मिला, बोले अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिना गोली का भी मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, और मुझे अभी कोई अपराधीपन की भावना नहीं है, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है, जो भी है वो ठीक है अभी, मतलब चलो बहुत अच्छा है। तो डिप्रेशन के ऐसे अनेक कारण हैं कि जिसकी वजह से डिप्रेशन आते रहता है। कितने सारे लोग कितनी सारी गोलियां अलग अलग डिप्रेशन की खा रहे हैं क्योंकि इनऑथेंटिसिटी है, अप्रामाणिकता से काम चालू है, और जहाँ जहाँ अप्रामाणिकता है वहाँ वहाँ टेंशन है, और जहाँ जहाँ टेंशन है वहाँ वहाँ एक तो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है। तो चॉइस अभी आपका है कि प्रामाणिकता से रहना है, ट्रांसपेरेंट रहने का है और बिना कोई बीमारी का रहना है, या फिर इनऑथेंटिसिटी है, अप्रामाणिकता है और गोलियाँ खा रहे हैं, तो ये चॉइस आपका रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लोगों को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। हमारा जो उद्देश्य है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, हमारे टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी हम करते रहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को ये मेंटल हेल्थ एजुकेशन के लिए फैलाओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलो।